धन वाहिगुरु साहिब जी। धन वाहिगुरु साहिब जी। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, नाहे न निर्मल करनी, साध संगत कै अंचल लावो, भिखम नदी जाय तरणी। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। धन वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला पहला, हम जेर जिमी दुनिया पीरां मसायकां राया, मेरा बादशाह अफजू खुदाया, एक तू ही एक तू ही महला पहला, ना देव दानवा नरा, ना सिद्ध साधका तरा, असत एक तिगर कुई, एक तुई एक तुई महला पहला, ना दादे दहंद आदमी, ना सफत जेर जमी, असत एक दिगर कोई, एक तुई एक तुई महला पहला। ना सूर सस मंडलो, ना सफत दीप नह जलो, अन पौन थिर ना कोई, एक तुई एक तुई महला पहला। ना रिजक दस्त आकसे, हमारा एक आस वसे, असत एक दिगर कोई, एक तुई एक तुई महला पहला। परंदे ना गिरह जरू, दरखत आप आस करू, देहंद सुई एक तुई एक तुई महला पहला। नानक लिलार लिखिया सोए, मेट न सकै कोई, कला तरै हिरै सोई, एक तुई एक तुई। ना
नानक लीलार लिखिया सोई मेट न सकै कोई कला तरै हिरै सोई एक तुई एक तुई वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र मुबारक हजूरी विच जुड़ बैठे अति सत्कार योग सतसंगी जनों वड्या भागां वाले हाँ सतगुरु जी की पावन पवित्र गोद विच बैठ के शामा वेले दे दीवान दियां हाजरियां भरन दा इस भागा समा सानू सारयां नू प्राप्त होया है। सतगुरु जी की पावन गोद विच बैठ के पावन बाणी का पाठ पावन बाणी का कीर्तन गुरु प्यार वालियां पासों आप जी ने सरवण किया है और लड़ी वार पावन बाणी की विचार जो रोजाना आप सरवण करते हो किस लड़ी तहत गुरु नानक पिता महाराज तिना की रसना तो उच्चारण की हुई माझ की वार दी 13 नंबर पौड़ी की विचार आप कल के दीवान तक साझी कर चुके हैं। इस दे नाल सत श्लोक गुरु पातशाह जी ने अंकित किए हैं। आओ मालक बख्शिश करे इन्हां श्लोकों की विचार तुष बुद्धि दे नाल साझी करन दा यतन करिए। सतगुरु जी की उपदेश करते हैं आओ एकाग्रता बख्शिश करके अपने सुरत नूं गुरु शब्द विच जोड़िए ताकि गुरु की विचार साड़ी जिंदगी का आधार बन सके। सारी संगत फतेह की सांझ पाओ गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं बार बार ये गल तां वार विच दोहरा रहा हाँ जिहड़ी ये वार चल रही है कि जिन्नियां भी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच वारां ने जिन्हां वारां विच खास करके पौड़ियां नाल श्लोक ने क्योंकि गुरु पातशाह जी ने जिन्हें भी इन्हां वारां दे विच विशे रखे ने उन्हां दा सारयां दी विचार पौड़ी तो लई जाएगी ते बाकी गल सौखी समझ विच पै सकती है क्योंकि गुरबाणी दी विचार दी एक तकनीक है कि जिन्नी देर तक मनुख नूं सार अंश दी समझ ना आवे ते जिहड़ियां दुनियावी उदाहरणां सतगुर ने बाणी विच लईयां ने बहुत वार मनुख उन्हां उदाहरणां नूं ही गुरमत समझ के ते अपने जीवन दे विच लागू करन दा यतन करदा है। जिहड़ा गुरु पातशाह जी दी विचार तों मनुख नूं नेड़े लियाउण दी बजाए दूर लै जांदा है। सतगुरु जी ने जो पौड़ी विच विचार बख्शिश कीते सन ਉਹ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜੋ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, चंगे घर रहना चाहता है, इतने बस नहीं चाहता भी है कि दुनिया में मेरी प्रभुता भी बनी हो, चार दस बन जाने कि खलोते हो गल करते हो तो भी मेरिया करते हो, मेरे बारे कह रहे हो कि यह व्यक्ति बड़ा चंगा है। मनुख केवल संसार दौड़ा तक सीमित नहीं, इस तो अगे भी सोचता है भी ये मैं संसार के पदार्थ भी मिलने चाहिए ने, सुख सहूलत भी चाहिए, क्योंकि जी भुख है बाणी ने इस दियां कई किस्मां बयान कीतियां। जिवें मनुख नूं जे ते रोटी दी भुख होवे फिर तां मनुख रोटी खाण तों बाद तृप्त हो जाएगा, पर रोटी तों बाद जिहड़ी भुख है वाशनावां दी, जिहड़ी इहदे अंदर पदार्थां दी भुख है, उह भुख जिहड़ी है मनुख नूं जिंदगी जीउण दा तरीका जिहड़ा है उह इहदे कोलों खुझा दिंदी है ते मनुख अपनी जिंदगी दा रस लैण दी बजाए इहनूं मसा बोझ समझ के जिंदगी जिउंदा है। सतगुरु जी ने अज दे इन्हां पावन श्लोकां विच क्योंकि विशा इको ही है सारिया श्लोकों का ते आपां कोशिश करांगे भी इन्हां सत्तां श्लोकों की विचार इन्ने समय विच आपां कर सकीए। सतगुरु जी बख्शिश करदे हन श्लोक महला पहला
हम जेर जिमी दुनिया पीरा मसायका राया मेरवद बादशाह। महाराज कहते ने मनुख दुनिया के सफल बन वास्ते बादशाह वाला जीवन भी लिया चाहता है कि मेरे को चंगा हो रुतबा संसार का, संसार से मेरे को घर चंगा हो, रहन सहन ली खाण पीण ली चंगे पदार्थ हो। सतगुर पातशाह जी इतने एक संकेत देंदे हैं, कहते हे इंसान आज जिन्ना भी कोई दसिया जा रहा है पीर मसायक राया जिन्हें भी राजे हैं जिन्हें भी बादशाह हैं जिन्हें भी संसार के अपने आप को अखवाने वाले पीर हैं, ये सारे तेरी जिंदगी जीवन में तेरी मदद नहीं कर सकते। हाँ इन्हों तो तेनों कुछ समय वास्ते सहूलत प्राप्त हो सकदियां ने, पर सदीव काल वास्ते ये तेरे जीवन के सुख नहीं भर सकते जिन्हें भी कोई तेन दिखाई दे रहा, क्योंकि सब कुछ इन्हों का कोई अंत है। हाँ मैं तेनों उस नाल जोड़न लगा हाँ जिसका अंत कोई नहीं। जे आप किसी मनुख को कह दिए भी दुनिया नाश हो जानी है, ये संसार फना हो जाना है, सूरज नहीं दुनिया से रहना, धरती ने भी नहीं रहना, तो मनुख कहेगा मैनू की, जो ये नहीं रहेगा तो मैं भी ना रहा। गल इतने ये नहीं, महाराज कुछ जिंदियां सानू सिक्ख्या देना चाहते हैं। ये बाणी का वाक है जिहड़ा इहदा साडे मरन नाल संबंध नहीं, साडा संबंध है जिउंदिआं कि हुण तूं जिउंदा है। तो मनुख जिथे पदार्थ चाहुंदा है, तुसीं कदी अंदाजा लगा के वेखो, मनुख घर भी बनाउंदा है, चंगे कपड़े भी सवाउंदा है, चंगे रहन सहन के प्रबंध भी करदा है, उस तों बाद भी जे मनुख दी जीवन दे विच शांति ना होवे, टिका ना होवे, ते अंदाजा लगाओ वह बनिया होया घर, वह सवाए हुए कपड़े, लियांदा होया भोजन मनुख नूं वढ खाण नूं पैंदा है। उन्हां भैणां दे जिन्हां ने बड़ियां चाह नाल अपने व्याहां ते कपड़े सवाए सन, परिवारां नाल अणबण हो गई कदी, उन्हां भैणां नूं उन्हां कपड़िआं नाल वेख वेख के पुछो की मन ते बीती है। वह गहने जिहड़े सहुरे जाण वास्ते तैयार किए सन कितने परिवार च अणबण हो गई, क्योंकि सतगुरु जी कहते ये कपड़े ये गहने ये संसार का दाज ये संसार दी वस्तुआं ये कुछ समय वास्ते तुहानूं हुसनता दे सकदियां हन, वक्ती तौर पर खुशी तो दे सकदियां हन, पर जिंदगी जीवन में सदीव काल ये वस्तुआं काम नहीं आ सकदी। तां ही तो सतगुरु ने बाणी च कहना पिया सी, कदी गुरु रामदास पिता जी दे शब्द पढ़ के वेखो, हर प्रभ मेरे बाबला हर देव दान मैं दाजो, मैनू वह दाज दे मेरे बाबल। बाबल गुरु नूं कहे थे, गुरु बाबल मैं अकाल पुरख पति दे कोल जाना है, तो मेरी इदां दी तैयारी कर जिवें एक धी बाप नूं इदां कहे कि मैनू वह दाज दे जिहदे नाल मेरा पति खुश हो जाए, मेरा पति मेरे ते रीझ जाए। इत्थे जीव स्त्री गुरु रूपी बादल बाबल नूं कहिंदी है कि मैनू वह दाज दे जिहदे नाल मैनू मालक अकाल पुरख प्रवान कर दे। हर प्रभ मेरे बाबला हर देवो दान मैं दाजो, हर कपड़ो हर शुभ देवो जित सवर है मेरा काजो, भी मैनू कपड़ा भी देना है, सिफत सर्व का कपड़ा मांगो, मैं तुहाड़े कोल केवल तन ढकण लई कपड़ा नहीं मंगना, मैं वह कपड़ा लैना जिहदे नाल मेरी आत्मा भी ढकी जाए, जिहदे ते गुण आ जाण। अज ना धीआं ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਨਾ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਨੇ ਕਿ ਬਾਪ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਗੁਣ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਵੀ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ये गुण तुहाडे च हैगे ने, बिल्कुल हैगे ने। बीबी भानी वह गुण लैके आई है, गुरु की बच्ची है, भावें जो बीबी भानी का जन्म होया उदों बाबा अमरदास जी गुरु नहीं, पर जम पल जो अभ्यास जो ट्रेनिंग जो सिक्ख्या मिली है बहुत वड्डी गुरु घर चों प्राप्त हुई है। तो गुरु रामदास पिता जी को पता है कि सहुरे घर गल्लां दुनियावी उदाहरणां दुनियावी दित्तियां ने कि जिवें एक बच्ची नूं सहुरे घर जाण लई पदार्थां दी लोड़ है। हुण जिवें संसार ते मनुख दा ध्यान जो एक नौजवान भी विआह करवाउंदा है जिहड़े दाज दे लोभी जिहड़े परिवार हुंदे ने उह धीआं दे गुणां वल ना वेख के समान वेखदे ने। साडे समाज विच तुलना भी इहो हुंदी है, शायद बाहरलियां कंट्रियां एडवांस ने, शायद इत्थे ना हुंदा होवे, पर खास करके
भारत में आप खास करके वेखते हैं पंजाब की धरती से अपने रिश्तेदार ने उत्थे सब तो पहली गल कई तो तकड़ी च पा के अपने पुत्र जोखते हैं भी इन्ना समान को देख जोगा है उदियां डिग्रियां जोखते ने उदी पढ़ाई जोखते ने इतों ही बस नहीं फिर उदा रुतबा वेखते ने भी ये बराबर है कोई समान देने वाला वह फिर जो वस्तुआं सामने आ जाती ने फिर गुण खंभ ला के उठ जाते हैं क्योंकि उधर भी कोई गुण वेखण वाला नहीं तो ये भी कोई गुण लैके नहीं आएगा केवल वस्तुआ की सांझ होएगी। सतगुरु जी कह लगे भी ये वस्तुआ वक्ती तौर पर खुशी तो दे सकते हैं पर सदीव काल वास्ते तुहानू सुख सहूलत नहीं मिल सकती। वक्ती तौर पर घर चंगा है तुसी अंदाजा लगाओ उस बैड नूं की करना उस चंगे किचन नूं की करना उस वधिया डाइनिंग टेबल नूं की करना जिथे चार जी इकट्ठे बैठ के रोटी ना शांति ना खा सकन अंदाजा लगाओ भला उस डाइनिंग टेबल नूं की करेगा उस फर्नीचर नूं कोई की करेगा जिथे घर बैठ के मनुख दो वक्त खुशी दे पल ना गुजार सके। बड़े चंगे चंगे घर अंदाजा लगाओ भरथरी वर्गे बंदे नूं एक राजा सी भरथरी उहदा किदां मन नूं चाट होया होएगा भी घर छड्ड जाइए लोग तां राजे बनना चाहुंदे ने लोग भी चाहुंदे राजे बणीए राजे शिवनाथ दे कोल कीड़ी घाट होएगी जिहड़ी मनसुख नूं कहण लगा भी भाई मनसुख मैं वाकिया राजा पर मैं तेरे वर्गा मन का सुख नहीं माणिया मैनूं दस तां सही यह मन का सुख मिलिया कि तों कहिंदा गुरु पातशाह जी दे कोलों कहिंदा उह कौण है कहिंदा आपे होणगे तेरे कोल राय बुलार वेख लो दौलत खां वेख लो कि राय बुलार दे कोल होर धर्मी बंदे ना आउंदे होणगे पर जिहड़ा जिहड़ा नेड़े हो के राय बुलार ने गुरु नानक पातशाह जी नूं वेख्या साढ़े कोल नज़र ही नहीं है साढ़े कोल ध्यान ही नहीं है कि गुरु पातशाह जी वो असी ध्यान दे नाल वेख सकीए वाज सकीए गुरु पातशाह की किवें जीवन दे विच सुख भरना चाहुंदे ने। सधारण घर होवे कखां दी कुल्ली होवे पति पत्नी इतफाक नाल रहिंदे होण बच्चे आग्याकारी होण चंगा जीवन होवे ते कखां दी कुल्ली भी स्वर्ग है। अज आपां सतगुरु जी कोलों पुछांगे महाराज मनुख की जिंदगी विच मेन अहमियत की है सारे जिहड़े सत दे सत सलोक ने गुरु नानक पिता जी ने अपने आप ते टुकाए ने हे अकाल पुरख मेरी जिंदगी दे विच अंदाजा लगाओ तुसी नौजवान मेरे वीर बैठे ने मेरिया भैणां बैठियां ने पटवारी दा होवे कोई पुत्तर उहदे थले किड्डी महंगी गड्डी होएगी उहदा रहन सहन किड्डा उच्चा होएगा ते गुरु नानक साहिब महाराज कोई मामूली इंसान नहीं 100 एकड़ जमीन राय बुलार ने प्रभावित होके गुरु नानक पिता जी दे नां लवाई सी अज भी ननकाणा साहिब दे गुरुद्वारे दे नां उह 100 एकड़ जमीन बोलदी है जिहड़ी राय बुलार ने प्रभावित होके लाई सी ते कई पिंडां दे विच जिहड़ा पटवारी सी उह गुरु नानक साहिब जी दा सत्कारयोग पिता जी सन एडा वड्डा रुतबा एडी उच्ची पर सतगुरु जी कहिंदे मेरी जिंदगी विच इह चीज़ां अहमियत नहीं रखदियां मनुख दी जिंदगी तां नौकरी चंगी मिल जाए तो सब कुछ भुल जांदा है। राजनीतिक कई वारी आपां लीडर दी गल करदे आ भी लीडर नूं कुर्सी मिल जाए आगू बन जाए उहदे कोलों फैसले गलत हो जांदे ने कि केवल आगू दी गल नहीं आम व्यक्ति नूं भी उहदी हैसियत तों वध कुछ मिल जाए ना उहदे कोलों सांभणा मुश्किल हो जांदा। तुसीं आ लाटरियां वेखियां कई वारी आम बंदियां दीआं लाटरियां निकल आ जाण ते उहनां कोलों विचारियां नूं पागल हो जांदे भी इह माया सी वरतणी किवें क्योंकि उह हैसियत तों वध मिल गई ना भांडा छोटा ते समान ज़्यादा पै गया। लुधियाणे एक दी लाटरी कढ़ाई करोड़ दी है सधारण व्यक्ति सी उहनूं चाही इन्ना चढ़िया एक्सीडेंट करा बैठा ए सजी बांह टुट गई लत जिहड़ी सी उह मोटे पट तों क्रैक हो गई ते जाके ते उहनूं PGI मुड़ के दाखिल करवाउणा पिया रिश्तेदार पता लैण कहिंदे की होया कहिंदे चाही इन्ना चढ़िया मैं लालवती देखी नहीं अग्गे वी कोई आउंदा सी ते एक्सीडेंट हो गया मेरा हुण उहदा एक्सीडेंट करोड़ ने कराता भी भांडा छोटा सी वड्डा पिक्के वाली पदार्थ जिहड़ा उह आण डिग्गा ते उह अपनी जिंदगी दा जिहड़ा सारा मानसिक पद्धर हिला बैठा। अंदाजा लगाओ गुरु नानक पिता महाराज कोई आम इंसान नहीं उहनां दे कोल खाण लई पदार्थ भी चंगे ने घर दा रुतबा भी उच्चा है पर गुरु पातशाह जी फिर भी ये गल कहिंदे ने हे अकाल पुरख मेरी जिंदगी दे विच मेन तुसी हो ये बाकी चीज़ां जिहड़ियां ने सहूलतां वास्ते ते वधिया ने यह सहूलत दे सकदियां पर इन्हां नूं वेख के मैं ये नहीं कहांगा कि मालिक भुल जांदा। हुण इहदे नाल आपां अपने जीवन ते लाईए असीं मेन परमात्मा नूं नहीं रखदे जिथों साढ़े जीवन च दुख आरंभ हुंदे ने असीं मेन पदार्थां नूं रखदे ने भी जदों तक पदार्थ नहीं मिलदा उदों तक इष्ट नूं याद करना है। इहदा अर्थ मेन पदार्थ हो गया चाहे वह पुत्तर है चाहे वह नौकरी है चाहे वह घर है
चाहे वह कोई इलेक्शन खलोता नेता है, कोई भी चीज़ है, जिड़ी चीज़ वास्ते मनुख इदा का यतन करते, अर्थ मनुख की जिंदगी मेन अहमियत वो है, जो मिल गई मनुख का मानसिक पद्धर बिगड़ जाएगा। हुण इहो गल गुरु रामदास पिता जी कहिंदे, मेरे मालिक जी जिहड़े लोग अपने धियां वसाउण वास्ते दाज की असल च प्रथा कित्थों आरंभ हुंदी है, बहुती वारी तां जदों असीं इहदा पिछोकड़ वेखदे हां, बहुती वारी तां धियां नूं वसाउण विच पर्दा कटण की गल हुंदी है, वी तां कि धी दे चज वल जा ध्यान ना जाए सहुरिआं दा, वी समान वल ही वेखी जाण, वी इक दूजे नूं सूट ही विखाई जाण, वी आवे को सूट किन्ने आए ने, आवे को कड़े किद्दां दे आए ने, वी साल दो साल सूट वेंदिआं लंघ जाणे ने, बाद च कहांगे भी तुहानूं नहीं सी पता, तुसां वेख्या सब कुछ सी, ते जे पहले ही कुछ ना दिता ते पहले दिन ही काम वल ध्यान जाना, भी इहनूं कुछ करना भी आउंदा है, सत्कार करना भी आउंदा है। बहुत ही वारी दाज के लोभी अपना पर्दा कटण लई करदे ने, ते इह केवल इदां नहीं हुंदा, सतगुरु पातशाह जी कहिंदे इह साजो समान वक्ती तौर ते सहुरिआं नूं ते लड़की नूं कुछ समय लई प्रभावित कर सकदे ने, पर सदा सहाई मनुख दे जीवन च गुण हुंदे ने जिहड़े जिंदगी जूण विच उहदी हमेशा ही मदद करदे हन। सतगुरु ने बाणी च कहा ना, पिखंदड़ो की भुल, पिखंदड़ो की भुल जैसरी की वार है, कहिंदे तुम्मा दिसम सोहणा खरबूजियां दे विच तुम्मा रख दिओ, तुसीं रेतले थावां ते उगिया वेख्या होएगा, बड़ा कड़त्तण वाला हुंदा है, ते उहदियां फाड़ियां संतरे वांगू बारों खरबूजे वर्गा लगता है, कहते तुम 15-20 खरबूजे रख के तुम्मा रख दो, कहते वेखण नूं ते भुलेखा पएगा भी यह भी खरबूजा ही है, यह भी मिठा ही होना है, कहते तुम्मा दिसम सोहना पिखंदड़ो की भुल, कहते वेख के भुल गए भी तुम्मा दिसम सोहना, तुम्मा भी खरबूजे का भुलेखा पाउंदा है। बहुत वारी संसार का बारला रहन सहन बारला प्रभाव हुंदा ते तुम्मा है, हिंदी ते कुड़त्तण है, वह कुड़त्तण बाहरों बड़ी मिठी लगती है। हुण कोई बंदा तुम्मे नूं खरबूजा समझ के घर लै जाए, जाके डाइनिंग टेबल ते रख के उहनूं प्लेटां च कट कट के सजा के रख दे, लो बच्चो खाओ, हुण तुम्मा थोड़ा खरबूजे दे भुलेखे खाधा जा, वह तो कुड़त्तण है, वह तो यार वर्गा तुम्मे बारे ते बाणी ने इत्थों तक कह दिता भी तुम्मे नूं कोई कई महीने पानी च भी रख देवे पर तुम्मे दे अंदर दी कुड़त्तण नहीं जाती, तुम्मा इन्ना अंदरों जहरीला है। गुरु पातशाह जी कहते ने, पिखंदड़ो की भुल वे के असी गए भुल, तुम्मा दिसम सवण, अजो संसार के रिश्ते भी होंगे ने, होंगे कई बार तुम्मे ने नौजवान लड़के वाले वेख लेंगे ने, हुंदा वो तुम्मा वेखण खरबूजा लगता है, वह जो वाह पैंदा है कहते हो इत कुड़त्तण निकली, महाराज कहते तुम्मा दिसम सोहना पिखंदड़ो की भुल, तुम्मा दिसम सोहना, दातार जी कह गए अड ना लहंदड़ो मुल, नानक साथ ना जुली माया, अड ना लहंदड़ो वो ते कौड़ी की कीमत नहीं रही। हुण को खरबूजा खरबूजे के भुलेखे तुम्मा घर लै जाए, घर जाके पता लग जाए, कोई सियाणा कह दे, हुण महाराज कहते ते कौड़ी कीमत नहीं, खरबूजा तो फिर भी विकदा है, महंगा है, कई भुख मिटा सकता है, कोई एक वक्त उन्हों उन्हों फ्रूट की तरह इस्तेमाल कर सकता है, कहते तुम्हे तुम की करोगे, तुम्हें वेखण खरबूजे वगू सोहना लगता है। संसार के बाहर दियां वस्तुआं बाहर के पदार्थ वकार बड़े सोहने लगते हैं, पर सतगुरु जी कहते जो ये तेरा वाह पैंदा है ना, ये कुड़त्तण निकलती है। सतगुर पातशाह जी यो सानू संकेत बाणी भी दिंदे ने, कहते सारिया वस्तुआं मनुख की वक्ती तौर पर मदद कर सकदियां ने पर सदीवी सुख नहीं, सदीवी सुख थोड़ा मिले करता है, सदीवी सुख तो मनुख को गुणा विचों मिलता है, जिन्हें भी अवगुण ने जिन्हिया भी संसार दी बाहर ऐश प्रस्तियां ने यह वक्ती तौर पर मनुख को आनंद दिंदियां ने। जिहड़ा नशा पीने वाला है वह क्यों पीता है, कहिंदा दुनिया दे फिकरां तो बेफिक्र हो जाए, कितनी देर जिनी देर नशा तेरे अंदर रहेगा, पर इहदा अर्थ इहदी कोई सीमा है, जदों तेरा शरीर इहनूं प्रवान नहीं करेगा वक्ती तौर पर कितने समा आएगा जिदन डॉक्टर ने कह देना तेरे वास्ते जहर, उदन तेनों पता लगना यह जो बाहरों नशा लै लिया से जिंदगी तबाह करने वाला से, असल में नशा है चंगिया विचार का चंगे गुणा का, जिन्हें इंसाना चंगे काम करने की आदत पै जाए, इस तो वड्डा नशा भी है। गुरु नानक पातशाह कि वड्डा नशा है, पटवारी के पुत्र ने तो महाराज संसार से एडा नशा चढ़िया है कि मैं संसार से अपने वर्गे संसार से होर मनुख तैयार करने हैं, ये भी नशा है ना। हुण यह नशा बाहरों बाजारों नहीं मिलता, सतगुरु जी ये नशा लैके तुरे ने तो दस रहे ने, हम जेर जिमी दुनिया पीर मसायक राया
दुनिया के जिन्हें भी पीर ने मसायक ने बादशाह ने राजे हैं ये वक्त ही सदीव ने सदीव बादशाह बादशाही तो सदीवी सुख नहीं मिलेगा। हाँ जड़ी चीज कभी फिक्की नहीं पैंदी जड़ी चीज कभी टलदी नहीं जड़ी चीज कभी बेरसी नहीं होंगी कोई है। महाराज कहते कड़ी कहते मेरावद बादशाह मेरावद अर्थ है जान वाली हैं जिन्हिया भी बादशाहियां हैं समा पा के फिक्कियां पै जांदियां जो कोई बादशाह बनता है उन्हों कि खतरा होंगे है कि बादशाही मेरे को खुश ना जाए उस बादशाही बचाने लिए किन्ने हथ कंडे वरतद है किन्ने यत्न करता है इधरों उधरों हथ मारद कि मेरी बादशाही खतरा तो नहीं वो अपने आस पास के दुश्मनों मरवाने की कोशिश करता है। अजय बादशाह जिवें इलैक्शन ने खास करके अपने इंडिया के जो इलैक्शन होंगे ने जो चार साल लंघ जाते हैं पंजवां साल चढ़ना शुरू हो जाता है तो अंदरों डर शुरू हो जाता है हुण ये बादशाहियां खुश जानिया ने लाल बत्ती वाली गड्डियां गवा जानिया ने वो कहावत है ना भी किसी अमली का नशा मुक गया कल का जिहड़ा सी नशा उहदे कोल है नहीं सी सिर्फ अज दा सी कहिंदे कि किसी ने पुछिया किवें है कहिंदा भी नशा तो खा लिया पर अज नशा हो नहीं रहा कहिंदा क्यों कहिंदा अज का नशा भी मैनू नशा नहीं कर रहा कहिंदा क्यों कहिंदा कल का फिक्र है भी कल कित्थों लियावांगा। बादशाह का भी एक नशा है जो कुर्सी थल्यो जाती है ना गद्दी खुसदी है थल्यो इत्थे छड्डो तुसीं घर चाबियां बाप दे कोल होण ते पता लग जाए मां नूं बाप नूं भी हुण नौ आई है ये हुण बादशाह खुश जानी हुण देण दी बजाए हुण हथ अड़ना पैना है उदों भी प्रॉब्लम आउंदी है समस्या आउंदी। हाँ ये घर दे विच सांझ है जे किते उधर उधर धी वाला प्यार मिलना शुरू हो जाए इधर मां वाला प्यार मिलना शुरू हो जाए फिर तो बादशाही सदा कायम फिर तो पुरखियां नूं बादशाही मिलती रहती है फिर तो वड्डियां दा सत्कार तो जिते दोवें बन्ने नादरशाही फरमान जारी होण उत्थे फिर संसार के दाज वड्ढण नूं पैंदा। मैं ऐसियां मावां वेखियां इंडिया विच जिहड़ियां जदों विहुणा सी उदों इदां सुणाया सानूं तो वैसे 11 लाख वाली ऑफर आई है तुसीं वेख लो जो देना तुहाडी मर्जी है चलो उन्हां खिच धूक के कहा भी 7 लाख वाली देनी पऊ जो 7 लाख वाली मिल गई फिर लोगों को जना मैं नहीं पैंदी अपनी खरीद के पवांगी मैच कर लूं पवां भी कम से कम तुसीं पहला मेड़े मार मार के उन्हां विचारां दा 7 लाख लवाता पता नहीं वो बाप को छुटना है कि नहीं छुटना इदां दीआं गल्लां सम क्योंकि फिर बादशाही नूं खतरा कई बार सोचते हैं भी शायद गड्डिया बहरले VCR कूलर फ्रिजा ये जिहड़ा बहरली सोना बहरले कपड़े ये मनुख नूं सुख देणगे ये वक्ती तौर पर मनुख की मदद करते हैं जो AC जिहड़ा कूलिंग करन हट जाता है वह गड्डी खड़कण लग पैंदी है सारे डरावनिया चीज़ा लगदिया ने जिहड़ी सतगुरु जी कहिंदे ने तुम्मां दे सम सोहणा बाहरों सारिया चीज़ा सोहणियां पर असल दे विच तुसीं गुणां दे गाहक नहीं ना इस करके तुहानूं इह चीज़ां सुख नहीं दे रहीआं ते जिहड़े पहला गुण वेखणगे जिहड़े पहले अपने बच्चे बच्चियां दा रिश्ते गुणां दे आधार ते करनगे उहनां नूं कदी वी नमोशी दा सामना नहीं करना पवेगा। हुण सतगुरु जी बख्शिश प्यार बड़ा प्यारा वचन करते हैं कहते हैं भी ये सारिया चीज़ा मनुख की वक्ती तौर पर मदद कर सकदियां जिवें कोई कोई हुण MP MLA है 4 साल बाद खतरा है ये हुण कुर्सी गवा जानी है वो कुर्सी नूं बचाउण लई की करदा हुण जिहड़ा पहला फंड खाधा पीता सी कहिंदे लाओ हुण खवाओ पैसे दिओ वंडो पैसे तगड़े हो के ताकि मेरी कुर्सी बची रहे। हुण मैनूं नशा बड़ा तगड़ा ते कदी इन्ना खर्चा करन तों बाद कोई नेता हर जाए ते कदी उसकी तुसीं पता लैण जाओ कदी उहनूं पुछ के वेखो आम सरपंच दी हालत ही वेख लो फिर वो मनुख जिहड़ा है उहदे नाल इहो जिहा ना जुड़ जांदा उहनूं आम पिछे जे ना इंडिया दे विच इक आम दिहाड़ीदार बंदा उहनूं धक्के दे नाल ही उहनां ने MLA दी इलैक्शन च खिलारता हैगा ते दिहाड़ीदार सी उह इन्ना उहनूं बिपता पै गई है गरीब इंसान दिहाड़ीदार बंदा उहनूं पुलिस वालिआं ने 2 बॉडीगार्ड देते उह जदों घर जाण उह कहिंदा वी मैं MLA ते पता नहीं बणना कि नहीं बणना मेरी ते भड़ोली च आटा नहीं हैगा भी मेरा तो सारा कुछ खा पी के वो थाने आप ही गया कहिंदा भी इन्हां नूं तुसीं लै जाओ मैनूं लगदा MLA बन तो पहला मेरा परिवार सारा विक जाना कहिंदा भी मैं इहो जिहे काम च की लैणा मैनूं तो हुण पता लगा भी नेता बनण वास्ते इन्ना कुछ करना पैंदा मुड़ के साडी पब्लिक उहनां कोलों सहूलतां दी मंग करदी है नशे वरताए जांदे सारा कुछ हुंदा बादशाह तुहानूं कायम रखण लई। हुण सतगुरु जी कहिंदे मेरावद बादशाह कहि लगे सब चीज़ां वक्ती तौर ते सुख दिंदियां ने पर अफजू खुदाया हे मेरे मालिक जी असल में सदा सुख देने वाला खुदा तुसी आप हो मेरे वास्ते चीज़ें अहमियत नहीं रखदियां तुसी अंदाजा लगाओ
जे पातशाह ने कोई पातशाही लैनी होंगी बादशाही लैनी होंगी तो जदों गुरु साहब बाबर नूं जाबर कहण गए सी ते बाबर तो एक बार तो अंदर हो लग्या भी हिंदुस्तान विच भारत विच कोई इदां दा मर्द गमड़ा सूरमा जिहड़ा मैनू जाबर कहण दी हिम्मत रखदा है। ते जे गुरु पातशाह दो तरीफ दे वचन उहदे कह दिंदे ते सारा पंजाब सारा ही भारत गुरु नानक पातशाह दे हवाले कर देना सी उहने, पर महाराज नूं पता सी इह बादशाह जिहड़ी है झूठी है, इहनां दे राज झूठ ते टिके होए ने, पर जिहड़ा असी राज कायम करना है ना, जे कितें साडे वीरां नूं खालिस्तान दी परिभाषा दी समझ आ जाए ना, जमीना के टुकड़िया से राज करन खालिस्तान नहीं कहिंदे, दिलां ते राज करन खालिस्तान कहिंदे हन। कदी इस नूं बरीकी नाल आवाज के वेखो, खून वहा के कतलो गारत करके मावां दे पुत मरवा के खालिस्तान की गल नहीं, खालिस्तान हुंदा है दिलां ते राज करना, जिसका जिक्र भाई सत्ता ते बलवंत जी ने रामकली वार अंदर किया, नानक राज चलाया सच कोट सताणी नीव दै, जदों नीहां विच सच भरिया जाएगा ना उस राज विच्चों लोकां नूं हलेमी राज मिलेगा, सहूलतां मिलणगियां। बंदा सिंह बहादुर ने जदों राज कायम कीता सी जमीना दे मालक बनाया सी, साडी नौजवानां दी वरतों कीती गई, समें समें सरकारां वरतों कीतियां, क्यों? क्योंकि साडे कोल जोश बहुत है, साडे कोल होश दी कमी है, जोश बहुत है। कोई माड़ा जिहा बाबा काम करदा है, लाओ टकुए लियाओ लियाओ मार दो सुन मार दो इदां कर दो, नहीं, होश दी लोड़ है, इस सिर दी वरतों करन दी लोड़ है, कौन सानू कित्थे वरत जांदा है इस बरीकी नूं वाचण दी लोड़ है। गुरु पातशाह किन्ने सियाणे ने, आनंदपुर नूं घेरा पैंदा है महाराज, किन्ने दूर अंदेशी ने, चमकाओ आनंदपुर दा किला छड़ जांदे हन, लोक इन डराकर ने, महाराज डराकर नहीं, महाराज नूं बहुत वड्डी रणनीति आउंदी है, बहुत वड्डे राजनीतिक ने रणनीति एडी कमाल दी, सतगुरु जी उत्तों तुसीं की समझदे हो? आम वेखण वाला कहिंदा है चमकौर दी गढ़ी दे बाहर 10 लाख फौजी ने, गुरु पातशाह हार गए ने, सियाणा कहिंदा गुरु पातशाह हार नहीं गए, गुरु पातशाह जी की जित है, 10 लाख बंदियां दे कोलों एक भी जिउंदा व्यक्ति नहीं फड़िया गया, गुरु पातशाह जी की बहुत वड्डी जित है। दूर अंदेशी ने महाराज घट जाना का नुकसान करा के दुनिया को कुछ देना चाहते हैं, इहनूं कहिंदे ने ज्ञान, ज्ञान की विचार, साडे कोल अज इस चीज़ की कमी है, असी ज्ञान हासिल करना चाहते हाँ पर किहड़ा, जिहदी सिर्फ सानूं लोड़ है, जिवें कंप्यूटर पुराने समय जिहड़े बैंकों में मैनेजर सन, कंप्यूटर होंदे ना सन, की लोड़ सी, पर अज हर जॉब वास्ते पहला कंप्यूटर होना जरूरी है, सीख लिया, पता सी भी इस विद्या तो बिना सानूं नौकरी नहीं मिलनी, सीखना पिया, स्कूलों कॉलेजों में आम स्कूलों में भी इन चीज़ों की सहूलत दी गई, पता सी भी इस ज्ञान तो बिना असी अधूरे हाँ, पर कि गुरु के प्यारे हो गुरु ग्रंथ साहब के ज्ञान भी जिंदगी का अंग समझ लेंगे भी इस ज्ञान तो बिना भी साड़ी जिंदगी अधूरी है, वह विद्या सीख ली ना, हाँ वो चीज़ा सानू आ गई, वो धन आया जाएगा, पैसा कमाया जाएगा, चंगा घर बन जाएगा, पर थोड़ा जा दूर अंदेशी होकर सोचो कल घर वस गए, पत्नी आ गई, पति आ गया, बच्चे हो गए, जे जीना ना आया तो फिर एक चीज़ की कमी महसूस होएगी बार बार, घर बड़ा वधिया बन गया, फर्नीचर बड़ा वधिया लैंदा, डाइनिंग टेबल बड़ा वधिया लैंदा, समान बड़ा वधिया आ गया, किचन बड़ा कमाल दा हो गया, बर्तन बड़े वधिया हो गए, भोजन बड़ा कमाल दा है, पर खाना नसीब नहीं होया, खांद्या खांद्या लड़ पै, खांद्या खांद्या कलेश, ओनू गाला ओनू तोमत, बच्चे अपने आप मुहारे हो गए, उत्थे आण के समझ आएगा गुरु नानक साहब जो तुसी कहिंदे सी बिल्कुल सही सी, ये चीज़ां वक्ती तौर ते तां मनुख नू खुशी दे सकदियां पर सदीवी सुख तुहाडा ज्ञान ही सानू दे सकदा है। इहो गल महाराज अज कहिंदे हन, अफजो खुदाया कहणगे एक तू ही, एक तू ही सदा रहण वाला सदीवी सिख सुख सुख देण वाला अकाल पुरख परमात्मा जी तुहाडा अपना नाम है, तुहाडा अपना सिद्धांत है, यह वक्ती तौर पर चीजा मनुख की मदद कर सकदियां। महाराज कहते ना देव दानव नर, देव दानव नर जिन्हें भी मनुख ने, मनुखा की मदद संसार के बंदियां की मदद कहते वक्ती तौर पर मनुख मनुख के को करवा सकता है, पर जी सदीवी मनुख की मदद है वो ये अपने गुण करते हैं। कहते जो कोई मनुख हारदा हो किसी को मदद की आस रखे, कहते जी वह कला अपने आप की मदद करनी शुरू कर दे तो उन्होंने किसी की मदद की जरूरत नहीं है, तो जे हारता हो अपना आप भी अपनी मदद से नहीं खलोता होया
सारी दुनिया भी आके खलो जाए तो उन्होंने कोई जिता नहीं सकता। तवारी गवाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की अपनी मदद कर ली, वो अपने गुण पिछे ने। एक बने भारत का बादशाह है, एक बने इकले गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी। थोड़ी जी तुलना करके देखो कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह हरे क्यों ने, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की मदद करने उन्होंने अपना आप नाल है। हारदे मनुख कहड़े ने जिहड़े तुसीं कदी वेखो, खास करके इत्थे ते आपां उन्हां चीज़ां तों बचिया, पर कई वारी प्रभाव उन्हां चीज़ां दा नाल तुरदा है। मनुख कबर दे अगे जाके खलो के मंगदा है। कबर की एक मिट्टी है जिथे किसी समय एक व्यक्ति को दफनाया गया से। हुण मिट्टी दे अगे खलो के मनुख अरदास कर रहे, कह रहे की कह रहे, हे पीर जी मेरी मदद कर। हुण पीर अग्गों कहे भी जिहड़ा व्यक्ति मैं ते मर चुका है, मेरे को मदद मंगण आया मुर्दे को, मैं ते आप कुछ नहीं कर सकता, मैनू ते आप खा गए, हड्डियां मेरिया जड़िया गल गईयां, मांस मेरा जड़ा कीड़े खा गए। यह बंदा जड़ा मेरे को मदद मंगण आया है ना, यह दुनिया से कभी कामयाब नहीं हो सकता, यह फेल होएगा, हर मुकाम से फेल होएगा। भी जिस इंसान यह समझ नहीं आई, जिहड़ा इंसान किसी बुत अगे जाके मंग रहा जी मेरे ते भगवान जी मेरे ते कृपा कर दियो, जां किसी पत्थर नूं कह रहा, अंदाजा लगाओ उस मनुख की स्थिति। ओ कबर भी कह रही होएगी भी जिहड़ा मनुख अजे तक यह समझिया नहीं, जिउंदे मनुख जिउंदियां दी मदद करदे ने, ओ भलिया तू खुद जिउंदा है, तू खुद अपनी मदद करन नूं तैयार नहीं, तेरी मदद दसो होर कौन करेगा। संसार ते इदां ही कुछ हो गया, इहो गल तां भगत कबीर ने कही सी, पखान गढ़ के मूर्त कीनी दे के छाती पाओ, जे ए मूर्त साची है तो गढ़ नहारे खाओ। किड्डा वजनदार वजन वचन कहता, कहिंदे जो पात्र को कहते देव, जिहड़े किसे पत्थर दे टुकड़े नूं भगवान कह के पूजदे ने तां कि बिरथा हो। वैसे आप सुनामियां आईयां जापान दे विच, किन्ना कुछ होया है तुहानूं ज़्यादा पता है, तुसीं इंटरनेट ते खबरां पढ़ियां ने। ते पिछले दिन एक आर्टिकल आया, मैं पढ़ के हैरान हो गया भी उहदा ज्योतिषी पांदे कई कुछ कहिंदे ने। आमदन आंदे इहनां नूं पता लग जांदा भी किहनूं नौकरी मिलनी है, किहनूं नहीं। भलिओ तुसीं वर्ल्ड का ज्ञान रखने वाले जे दस दिंदे उहनां विचारियां नूं भी देश खाली कर जाओ भाई, एड्डा वड्डा पता नहीं किन्ने ज्योतिषी। वैसे अंडेमान निकोबार भी आईयां सन सुनामियां, जो अंडेमान निकोबार आईयां ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया की इंग्लिश की अखबार के फरंट पेज पर खबर लगी सी भी 300 ज्योतिषी सुनामी की भेड़ चढ़ गया। तो दूजे मगरों पुछते से भी इन्हों का टेवा काम ही नहीं किया, पता पता ही नहीं कख भी धरती थले लावा कितने है, कितने रेत है, कितने बजरी है, कि नीवा पानी है, कितों लावा प्रैशर बन के बाहर निकलता है, यह ज्ञान ही नहीं। उन्होंने सिर्फ उत्तों उत्तों पता होंगे भी तेरे सिर पर राहु घूम रहा, तेरे सिर पर पीतू घूम रहा, और राहु केतु केवल पैसों नहीं घूम रहा होंगे, पता नहीं किन्ने जापान की भेड़ जोशी भी चढ़ गए होने। पर फिर भी साढ़े समाज ने दिमाग की वरतों नहीं करनी भी इन्हों की पढ़ाई कितने गई, इतने छोड़ो। पता नहीं किन्निया ने बाबिया के डेरिया के खंड पाड़ रखाते होने भी बाबा जी कितने हूँ साढ़े देश ना आ जाए, कितने इधर सानू बचा दौ भी दसो, इंडिया बैठा बाबा तुहानू सुनामी लहरां तों किवें बचा देगा। वो तो कुदरत दे नाल छेड़छाड़ करोगे, कुदरत दा एक सिस्टम है, उहदी लपेट विच जिन्हें आना आ जाना। दुनिया का कोई भी मनुख जिहड़ा इह तों सानू बचा नहीं सकता। जे इदां हुंदा ना भगां वाले फिर साड़ी गरीबी भारत विचों निकल जानी सी। किन्ने साधु तांत्रिक ज्योतिषी पांदे पता नहीं किन्ने भारत विच बैठे हैं, ते सब तो वध गरीबी भारत की धरती ते है बिहार दे विच। एक ऐसा इलाका मैं आप वेख के आया, उत्थे एक सरदार जी रहिंदे ने, साढ़े कोल ते सब कुछ खाण पीण लई है ना। उह सरदार जी मैनूं दसदे कहिंदे, अंदाजा लगाओ ज्ञानी जी, साढ़े घर एक बाई काम करन वाली आउंदी है, वह कितनी तनखा लेंदी होएगी। मैं क्या मैनू नहीं अंदाजा, तुसी दस दिओ। कहिंदे सवेरे उन्हें सानू आण के सुत्तियां नूं उठाउणा, बाई बिहार दे विच है, क्योंकि वह झारखंड वक्री स्टेट बन गई है, बिहार वक्री है। वह कहिंदा साढ़े घर एक बाई काम करन वाली आउंदी है, तो सवेरे सुत्तियां नूं सानू आण के उठाउंदी है। मैं क्या अच्छा जी। कहिंदा सवेरे आण के उन्हें सानू सुत्तियां नूं उठाउणा है, साढ़े बच्चों का नाश्ता तैयार करना, घरां च पोचे लाउणे, कपड़े धोने, सारा काम करवाउणा है। रात को जो असी सौ जाने साढ़े बच्चे सौ जाते फिर घर जाती है। मैं कहते कि तनखा लेती होगी, अंदाजा लगाओ। मैं क्या जी मैनू कोई अंदाजा नहीं। कहते साढ़े घर में चावल बनते हैं, चावल दुपहरे भी तो शाम को भी, चावलों की पिछ उतार के उस नमक तो मिर्चा पा के जग में पा के गिलास नाल अपने बच्चों पिया हों। असी अगे क्या दो तीन बारी
कि बीबी जी तुसीं कुछ रोटियां लै जाया करो, कुछ होर वस्तुआं नाल लै जाया करो। कहिंदी इस पापी पेट नूं रोटी खाण की आदत नहीं, सरदार जी तुहाडे घर जे आ के रोटी खाण की आदत पै गई, हो सकता है तुहाडे घरों नौकरी छड़ के फिर गांह जाना पवे। इस पापी पेट नूं रोटी खाण की आदत नहीं मिलनी, नहीं तो मैं ते मेरे बच्चे बीमार हो जावांगे। हुण तुलना करो भला भी दुनिया के गरीब कौन ते अमीर कौन है। उत्थे आण के व्यक्ति तेनू अचार नाल भी खाण नूं मिलना तू फिर भी कहेगा मैं अमीर हाँ, मैं इन्ना अमीर भी मैनू अजे चौलां की पिछ ते नहीं पीनी पैंदी। उन्हां दी अगले बन्ने रीढ़ की हड्डी दिसदी है, पेट नाल दी ते चीज़ ही नहीं। तो भारत के बहुत मन्ने परमन्ने साधु ने जिन्हां दा अपना भार लत्तां नहीं चलदियां। उह कित्थों आया इन्ना चर्बी, इन्ना माल कित्थों आया स्रोतियां दा, काजू पिस्ते बदाम पता नहीं की कुछ। फिर स्टेजां ते बह के भाषण करना भी त्यागो त्यागो भी की त्यागी है भलिओ, सब कुछ ते तुसीं साडा लुट पुट के खा गए, फिर भी त्याग दा पाठ पढ़ाया जा रहा है। नौजवान भी इन्हों गलों को समझने की तैयार नहीं। जो साढ़े वर्गा बुलहारा बोलता कहते भी इन्हों का तो काम हो नहीं फलो, असं तो दसते हैं कि तुम पढ़े लिखे जो थानू इस गल छेती समझ में आ सकती है। किसी कुदरत का एक निजम है जो थोड़े को मिलना है, बस वो निजम तुरना शुरू कर दे। जो रब्बी गुण ने अपने जीवन च लाओ। मार्ग जी इतने कहते हैं ये जिन्हिया भी बादशाह ने, जिन्हें भी मनुख ने, जिन्हें भी देवते अपने आप को अखवाने वाले ने, यह मनुख की जिंदगी सदा सहाई नहीं हो सकते। ना देव दानवा नरा ना सिद्ध साधका, साधका मीन साधना करने वाले किन्ने ज्योतिषी किन्ने पांधे तुरे फिरते हैं। महाराज कहते धरा धार कहते धरती नूं एक कोई भी सिद्ध साधक देवी देवते मनुख की मदद नहीं कर सकते। पर अज ते हो रहा है नौजवान पांधे दे के हाथ खिलार के पैंदा है, पांधा जी दसो मैनू नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वह अगे कहता भी तंबाकू मल मल के लकीर है घिसा छड़ गई भलिया, मैं हूँ तेनों की दसा, तू तो इन्नी नप नप के तंबाकू घिसा रहे है, तू तो अपना भविख ही बर्बाद करके बैठ गया, तू तो नशे कर करके अपनी जिंदगी तबाही से लै गए, तेन हूँ आने वाला तेरा मैं भविख की दसा। पांध्या भी पता लग गया भी हूँ होना कि योजा साढ़े समाज के सिस्टम है, लोगों वहमां भरमां पखंडा पा के अपना तोरी फुरका चलाना उन्हों का काम है। पर साढ़े समाज में जिमें फैमिली डॉक्टर होंगे ने, कई फैमिली पंडित होंगे ने, निकी निकी प्रॉब्लम फोन लेके दसनी। तो मैं वेखिया अजनाले तहसील में एक फैमिली पंडित है, वह बिल भी अमेरिका च बैठा परिवार तार का। मैं कहा दुहाई रब की उत्ते घटना वापरेगी तो किवें हल करेगा। वह पंडित अपने मूँह दसे कहता जी 8-10 हज़ार का बिल मेरा बन जाता, आपू की आता एसटीडिया बहर कर जिते मर्जी फोन लाइए। कहना फोन भी बहर आता तो बिल सुख ना माँ धार दी लड़के की, तो जो उत्ते मुसीबत फस जाता इतों कहता मंत्र शंत्र फोन पर पढ़ छी दे। मैं क्या पता है ठीक हो जाना, कहना ना ठीक हो एडा एडी दूर बैठा, कहता मैनू की कर लूँ आना, जो होना से आप खा पी लिया। इदा साढ़े समाज में हो रहा, कोई कित पाठ करा रहा, कोई कित मंत्र पढ़ा रहा भी मेरी बौड़ी हो जाएगी। तो सामने जापान की प्रतख घटना है, ये बारे इंटरनेट पर आ गया भी किन्ने ज्योतिषी जोड़े वर्ल्ड दबर लोगों दसते हैं कि तेरे ते राहु घूम रहा, तेरे ते केतु घूम रहा, उत्ते बारे सारा ज्ञान है, थले बारे भी रखो थोड़ा बहुत भी धरती थले कितने कितने लावे पाट रहे हैं, ये बारे भी कोई ज्ञान रख लो। उपर का ज्ञान कहदा सिर्फ दुनिया से अपनी रोजी चलाने वास्ते। सतगुरु जी बख्शिश कर देना, ना देव दानवा नरा ना सिद्ध साधका धरा धार कहते धरती। महाराज कहते जिन्हें भी ये मनुख देवते ने मनुख की मदद नहीं कर सकते। कहते असत असत कहते ने एक असत एक सदा रहने वाला, सदा रहने वाला सदीव काल असत एक दिगर कोई, कह लगे कोई रब तो बिना होर भी है, दिगर का अर्थ है दूजा, कोई दूजा भी है रब तो बिना संसार से सदा रहने वाला। असत एक दिगर कोई एक तू ही, एक तू ही, एक तू ही है जिहड़ा सारिआं दी मदद करन वाला है। बाकी महाराज मदद करन वाले नहीं सगों लोगों को मदद कराउण वाले हैं। महाराज अगे कहते हैं महला पहला, ना दादे देहंद आदमी, दादे का अर्थ होंगे इंसाफ करने वाले, देहंद इंसाफ करने वाले, पंचायतों के लोगों के झगड़े नबेड़ने वाले। कहते भी सदा मदद नहीं करते, क्योंकि जो पंचायत बहती है ना वो भी कई बार पग पूर जाती है। काजी पंचायत ही होंगी सी, काजी पंचायत होंगी सी, जरा काजी से ना वो फैसले करता सी। तो कहावत आती है ना बाणी च लिखा, काजी होए रिश्वती वड्डी लैके हक गवाई, काजी रिश्वत लै लेंदे सन। तो जिस अदालत का जज रिश्वत लै लो, तो जिंदी रिश्वत ज्यादा हो
कुदरती गल उहदे हक च फैसला हो जाणा, जिहदा पलड़ा भारा होजू उधर दे हक च फैसला हो जाणा। वह कहावत बड़ी प्यारी बनी है भी काजी कितें फैसला सुनाउणा सी ते कहिंदे भी किसी मनुख ने काजी नूं कहा काजी साहब फैसला मेरे हक च सुनायो। कहिंदा की देवेगा? कहिंदा जी कुछ नहीं हैगा, गरीब बंदा पग आ मेरे कोल पग लै लो। कहिंदा ठीक है। दूजा बंदा मिल पिया कहिंदा काजी साहब फैसला मेरे हक च सुनायो। हुण काजी फस गया उहदे कोलों पग लै बैठा। कहिंदा की देवेगा? कहिंदा बलद देवांगा। उन्हें सोचा काम लिया करांगा, बलद कोलों घर दा भी बड़ा काम है, बलद कोलों काम लवांगा। जदों फैसला होया काजी ने की किया भी बलद वाले दे हक विच फैसला सुनाता। जिन्हें पग दित्ती सी काजी कोल गया, कहिंदा काजी साहब लोड़ा मार दिता जे, रिश्वत भी दित्ती, इन्ना कुछ दिता तुहानू, पग दित्ती तुहानू, तुसीं फिर भी फैसला मेरे हक च नहीं सुनाया। कहिंदा की करां, बलद वड्डा सी तेरी पग खा गया। कहिंदा बलद वड्डा सी तेरी पग खा गया, भाव बलद वड्डा सी जिहदी रिश्वत वड्डी उहदे हक च फैसला। काजी होए रिश्वती, वड्डी लै के हक वाए। कई वारी बंदा रिश्तेदार नूं बिठाउंदा भी साडी पति पत्नी की लड़ाई मुकाओ, साढ़े परिवारों कलेश पै गया, साढ़े भरावां भरावां की जमीन की लड़ाई पै गई है। तो कई बार की होंगे है कि वह जिमें कहावत सुनते ना भी बंदर ने रोटी वंडन लाता, वो अपनी खा गया, अपने ही शख्स खा गया। जिहड़े फैसले करने वाले होंगे ने बहुत ही वारी वह संसार से धिरां नूं रगड़ा ला जाते। महाराज कहते मैनू नहीं विश्वास भी आह जिहड़ियां चीज़ां मनुख की सदीवका लई मदद करनगे। दादा जी कहते ना दादे देहंत आदमी ना सफत जेर जिमी। हे मेरे मालिक जी, धरती ते रहण वाले जिन्हें भी संसार ते व्यक्ति हैं, मैनू नहीं लगता भी सदीव काल ये मेरी मदद करनगे। असत एक दिगर कोई, मैनू नहीं लगता कोई सदीव काल इन्हां चो सत होएगा। एक तू ही, एक तू ही ना सूर सस मंडलो। गल बड़ी प्रैक्टिकल कहती महाराज ने। इत्थे अजे भी सूर की पूजा होंदी है, चंद मामा कहा जाता है। पुराने समय में तो हुण भी है, जिथे अनपढ़ता है ना। मैं अखबार पढ़ रहा सी ते उहदे विच 13 मार्च ऐसे ही महीने की अखबार है, फ्रंट पेज पर खबर लगी है कि इस साल पंजाब दे विच 60,06,70,000 बच्चा पढ़ाई तो कोरा रहेगा। ये सिक्ख्या बचाओ विभाग ने सर्वे कराया चंडीगढ़ दे विच, 6,70,000 गरीब परिवारों का बच्चा जिहड़ा वर्दी स्कूल की फीस देने तो असमर्थ है। अंदाजा लगा लो जिथे इन्नी अनपढ़ता होएगी उत्थे गुरु नानक साहब का ज्ञान घर घर पहुँचने किवें मदद होएगी। ये कोई औखी गल नहीं। अमेरिका कनेडा जितों सानू फोन आते सी कहने होंगे हो तुसी पंजाब के बाबिया 15-50 लाख दीआं गड्डियां देने दे बजाय ना अपने पिंड के बार बार एक एक कॉलेज खोल दिओ, एक एक होस्पिटल खोल दिओ। सानू किसी कोलों मंगण दी लोड़ नहीं। मैं मलेशिया गया, उत्थे मैंने एक परिवार दसे, उत्थे एक बाबा आउंदा हुंदा सी। ओह मान ना दसन, साडे कोल ना बाबा 60,00,000 रुपया लै ही जांदा सी साल दा। मैं कहा वाह जी वाह, बड़ा सौखा काम है। मैनू कहिंदे तुसीं भी उत्थों आए जे? मैं कहा मैं बाबा नहीं, भी तुहाडे कोलों ग्राही करां, तुसीं मेरे घड़ी मत्थे टेको ते मैं वलेट के सब कुछ लै जां। थोड़े जे सियाणे बण जाओ, तुहानूं पता जिहनूं बाबे नूं तुसीं पैसे दिंदे रहो मरिया कहिंदा। कहिंदे किद्दां? मैं कहा एड़ जोगी सी उहनूं। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਡੀ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਚਾੜ੍ਹਤਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਰਾ ਪਾ ਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਏਡਜ਼ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੈਰੀਕਾ ਕਨੇਡਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੂੰ 50-50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਦੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਇੰਡੀਆ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਦੇ ਟੀਚਰ, ਬੀਐਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਕੋਈ ਸਾਧਵੀ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹਰ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੱਖੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹਦੇ ਗਾੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥਾਲੀ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੇਡਾਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਹੈ।
तेनू पता लग जाए तेरा दुश्मन कौन है। तू स्वैपर चोड़ करके इन्ना सियाणा बन जा ताकि तू दूर अंदेशी होकर सच की विचार से पहरा दे सके। सतगुरु जी कहते ना सूर सस मंडल हो, सूर कहते सूरज न, हुण महाराज कहते ना सूरज तेरी मदद कर सकता। हुण लोग सूरज नूं पानी भी दिंदे ने, चंद्रमा उदों कह दिंदा हुंदा सी जदों मस्या लंघनी ते पूर्णमासी की रात नूं चंद्रमा दिखाई देना। जदों मस्या तों बाद चंद्रमा हौली हौली अलोप हो जांदा, मस्या ते काली रात हुंदी है, ज्यों ज्यों चंद्रमा दिखाई दिंदा ते अनपढ़ मावां ने अनपढ़ बापू जिहड़े सन उन्हें कहना पुता उठा के ना शामा कहना पुत चंद मामा मत्था टेको चंद मामा, जिहड़ा असली मामा है ना न्याणिया का चंगा मामा है, वो जिहड़ा सका मामा है उन्हू भावे ना कवाउण, पर जिहड़ा वो आकाश में पता नहीं किन्ने योजन साढ़े तो दूर है उन्हू थले बैठिया सत श्री अकाल बुलाई जानी है। तो जिहड़ा असली मामा साढ़ा सच्ची रिश्ते च मामा लगता उन्हू नहीं कवाउणा भी उन्हू कोई सलाम जवाब कर दी, उहदे नाल कोई सांझ पा लीए। चंद्रमा की पूजा भी हुई, सूरज की पूजा भी हुई, सतगुरु जी कहते किहड़े चंद्रमा की पूजा करदे हो, केते इंद चंद सूर केते केते मंडल दिस, कहते किन्नियां चंद्रमा की पूजा कर लो, किन्ने सूरजां की पूजा कर लो, गिणती तो बाहरे ने, किनू किनू मत्था टेकोगे। महाराज कहते ना सूर सस मंडल लो, ना सपत दीप नहज लो, ना पानी पानी की पूजा भी हुंदी है। हुण किते बस खलोवे दरिया के उत्ते, कई विचों पान कढ कढ के बस दे विच इदां मत्था टेकण, बस तो बाहर सुट देणगे पानी दे विच भी दसो भी ये कोई ना तो दुकान चलती है, करंसी किने किने वरतनी है, दरिया के भी पैसा सुट देना नहीं जी, ये पूजा कर रहे हैं पानी की, क्यों कल पानी चढ़ू सानू कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह पैसा पानी के किसी काम नहीं लिहाज थोड़ा कुछ नहीं करना। जिन्हें मत्था नहीं टेकया उन्होंने भी उन्हें रगड़ देना, जिन्हें मत्थे टेके उन्होंने भी रगड़ देना, पानी ने अपनी जो वहाते आना है ना उन्हें किसी का लिहाज नहीं करना। पर पानी की पूजा भी हुई, जो कि बस दरियावान नदियां नालियां तो लंघ दी है, ट्रेन लंघ दी है, कि भज भज के करंसी सुट दे, कानून अपराध है करंसी नू साड़ना ते किसे पानी विच सुटना। कितने दरियावान का पानी जो खलोंदा है ना डंगर चारन वाले पशु चारन वाले बागियां नू कई कई पैसे लभदे, वो कित्थों आए, दरिया दे विच कोई नोट छापण वाली मशीन नहीं, वो सुख ना साढ़े श्रद्धालुआं ने सुटे ने। जो बस लंघदी है ना उदों सुटदे आ भी पानी जी साडा ध्यान रखियो, वेखो तेनू असीं गांधी वाला एक सिक्का सुट चले आ, साडी मदद जरूर करियो, जे कि तू चढ़ के आया ना साडा घर बचाली सारा पिंड भावें डुब जाए पर साडी जरूर मदद करी क्योंकि असी तेरे गड़ी मत्था टेकिया है। आ रहे साडे समाज हुण सतगुरु जी की कहिंदे ने, कहिंदे ना सपत दीप नहज लो, ना पानी, अगे कहिंदे अन्न, अन्न की पूजा भी हुंदी है, लोग अन्न की पूजा भी करदे। आपां ऐतवार वाले दीवान च विचारिया सी जदों सुख नाल लोहड़ी हुंदी है, लोहड़ी रात नूं भोजन बनाया जांदा, ਉਹ ਭੋਜਨ ਅਸਲ 'ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸੀ, ਅਨਾਜ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਅਨਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਨਾਜ ਮੁੱਕੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 100 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਭਗ 3-4 ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੱਧ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖਾਈਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪੂਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਐਸਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨ ਪਾਉਣ ਥਿਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਸ ਏਕ ਤੂੰ ਏਕ ਤੂੰ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ, ਮੇਨ ਮਦਦਗਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਨਾ ਰਿਜਕ, ਰਿਜਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਿਜਕ ਕਹਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਗੁਣ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਰਿਜਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਰਿਜਕ ਦਸਤ, ਦਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ, ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਜਕ ਦਸਤ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਮਾ ਹਮਾ ਰਾ ਏਕ ਆਸ ਵਸੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਸ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅੰਦੁਲੇ ਕੀ ਟੇਕ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਦੁਲੇ ਕੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁੰਦਕਾਰਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਦਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਮਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਮਾ 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 ਅਗਿਆ ਰਾਹ, ਹਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਭ, ਰਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫਿਨਾ, ਹਮਾ ਰਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਹਮਾਰਾ ਏਕ ਆਸ ਵਸੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮਾ ਰਾਹ ਏਕ ਆਸ ਵਸੇ ਅਸਤ ਏਕ ਦਿਗਰ ਕੋਈ, ਹੈ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ, ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰੰਦੇ ਨਾ ਗਿਰਾ ਜ਼ਰ, ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟਾਹਣੀ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੂਟਕੇ ਚੋਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ ਸਵਾ ਕੇ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਛੀ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ ਟਾਹਣੀ ਤੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰੰਦੇ ਪੰਛੀ ਨਾ ਗਿਰਾ ਜ਼ਰ, ਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਨੂੰ, ਪੰਛੀ ਜਦੋਂ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਛੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਛੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਛੀ ਦਾ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣੀ ਉਹ ਖਾਏਗਾ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪੰਛੀ ਉਹ ਪੰਛੀ ਕੁਦਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਦੀਵ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਨਾ ਭਰਾਓ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਹਿਰਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਠਣਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਪੈ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੰਦੇ ਨਾ ਗਿਰਾ ਜ਼ਰ, ਦਰਖਤ ਆਪ ਆਸ ਕਰ, ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਦਰਖਤ ਦੀ ਟਾਹਣੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਧਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹੇ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਪੰਛੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਦੋਂ ਮੱਝਾਂ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹਦਾ ਆਪ ਬੱਚਾ ਤਰ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਨੇ ਅਭਿਆਸ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ? ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਛੀ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੂੰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਵਰਗਾ ਕੱਚਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨਾ। ਸੱਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵਸਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਵਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਪੰਛੀ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ, ਪੰਛੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ। ਪੰਛੀ ਦੁਖੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਛੀ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਜਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤਿਆਂ ਦਾ ਆਪ ਸਜਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਦੱਦੈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਊਂ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦਸ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਤਮਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦਦਾ? ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦਸ, ਕਾਏ ਭੂਲੀ ਗਵਾਰੀ, ਦੋਕ੍ਰਿਤ ਸੋਕ੍ਰਿਤ ਥਾਰੋ ਕਰਮਰੀ,
ਇਹ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਹੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦਸ, ਨਿੰਦਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ? ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦ, ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਦਾ, ਪੰਛੀ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਚੋਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਬੰਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਲੈ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪੰਛੀ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਗਿਆ। ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨਫਿਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਜਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1600 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ, 400 ਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਮੀਜ਼ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਆਹ ਰੱਖ ਲੈ ਜਾ, ਤਵੀਤ ਲੈ ਜਾ ਜੇਬ ਦੀ, ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤਵੀਤ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਭੱਜਣਾ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਸੀ, ਤਵੀਤ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਭੱਜਣਾ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਵਾਲੇ ਮਾਂ ਕਹੇ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਤ ਪੁੱਛੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭਿੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਦੇਵੇ। ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕੀ ਪੈਣ ਦੇਣਾ? ਮਾਂ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਓ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤਵੀਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋ ਗਈ ਪੰਡਿਤ ਦੀ, ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਤਵੀਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ, ਜੇ ਪੰਛੀ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਲਾਮਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰੰਦੇ ਨਾ ਗਿਰਾ ਜ਼ਰ, ਦਰਖਤ ਆਪ ਆਸ ਕਰ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਹੰਦ ਸੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ। ਏਕ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਖੀਰਲਾ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਲਲਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋਏ। ਲਲਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜੇ ਤੇ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਚੰਗੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਾੜਾ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲੇਖ ਮਾੜੇ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜੱਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣੇ ਤੇਰੇ ਭਾਵ ਜਲ ਪੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਕਦੋਂ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਜੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਣਨਾ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਆਪ ਲਿਖਿਆ, ਆਪ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਰ ਹੈ ਨਾ ਮੱਥਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੇਖ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਭਾਗ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁਭਾਅ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੁਰਦੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਲਲਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੱਚ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੱਤ ਦਾ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ, ਦਇਆ ਦਾ, ਧੀਰਜ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ। ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ, ਕਲਾ ਧਰੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰੇ ਸੋਈ। ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ, ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ,
उस सुभाव अनुसार जिंदगी जिंदा है, उन्होंने विश्वास आ जाता है इस दुनिया अंदर सदीव काल कोई मनुख की मदद करने वाला है, वह कोई होर नहीं, एक अकाल पुरख का सिद्धांत है, निजम है, इस तो बिना कोई दूजा नहीं। बाकी संसार दी जिन्नियां भी सुख सहूलत हैं वक्ती तौर पर मनुख को आनंद दे सकदियां हैं, पर सदीव काल मनुख की मदद नहीं कर सकदियां। जिन्ना भी वधिया घर है, जो भी साडा समाज है, ये वक्ती तौर पर मनुख की मदद कर सकते हैं, पर सदीव काल जिहड़ा सुख है वह सतगुर की बाणी की विचार, चंगे गुण, चंगे ख्याल अपने जीवन के लैके मनुख आएगा, तो ही मनुख को जिंदगी जीने का तरीका जिहड़ा है वह बाणी चो गुरु की विचार विचों प्राप्त हो सकता है, क्योंकि बाणी अमृत है, मनुख का जीवन अमृत करती है, यदि जिंदगी दे विचों कलेश विपतावां हुंज के बाहर कढ़दी है। मालक जी कृपा करन, आप जी का धन्यवाद। बड़े प्यार नाल सतगुरु की गोद विच बैठ के आप जी ने विचार सरवण कीतियां हन। गुरदेव जी की बाणी साडी जिंदगी दे विच ख्याल उच्चा किरदार अणखीला जीवन सानू बख्शिश करती है, स्वयमान का जीवन जीवना सिखाउंदी है, ता कि असीं हक सच ते पहरा दे के जिंदगी जीवन का बल गुरु पातशाह जी के कोलों प्राप्त कर सकीए। इनियां बेनतियां प्रवान गुरुदेव जी बख्शिश करन, भुलना चुका माफ, सारी संगत गज के बुलाओ, फतेह आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।